बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारी मिल रही है 8 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी जो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी 244 सीटों के साथ बनकर उभरी है और एनडीए की बात करें तो 296 सीट, हालांकि एक मैजिकल आंकड़े की बात जो हो रही थी, जो 400 पार की और 370 पार की बात हो रही थी, वहां नहीं पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें आंकड़े की तो 244 सीटों के साथ इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई है। सर मनोज, सर मेरा सवाल जो था मनोज, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस किस चीज का जश्न मना रहा है? अगर किसी भी पार्टी को सत्ता में आना, सरकार बनाने के लिए तो 272 की मेजोरिटी चाहिए ना। एनडीए के खाते में तो अभी भी 297 और 227 इंडिया गठबंधन में, तो फिर जीत और हार के बीच में कांग्रेस जननायक और जश्न किस बात का मना रही है? मैं ये नहीं समझ पाया। सरकार तो अभी भी बीजेपी के साथ मिलकर बन रही है। नहीं देखिए, ऐसी बात है कि जिस समय बीजेपी ने कहा कि अब की बार 400 पार और प्लस अगर हम 2014 की बात करें तो बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी अपने दम पे थी। 2019 में भी उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी अपने दम पर थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस समय पहले परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और ऐसे में अगर आपके 244 अपने दम पर आए, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से करीब 30 नंबर कम है, तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट को भी देखें तो स्टॉक मार्केट जो आज 4000 पॉइंट्स डाउन था सेंसेक्स, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये था कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे। वो बीजेपी के जो एक्सपेक्टेशन है, बीजेपी के एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, हर ये तो मालूम है कि भाई बस सरकार बननी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार चलाई फर्स्ट टेन्योर में और सेकंड टेन्योर में, अब मोदी जी को वो उस तरीके से सरकार चलाने में, वो स्ट्रांग डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो कांग्रेस की जो जीत है, कांग्रेस एक नंबर, कांग्रेस को कम से कम एक आशा की थोड़ी उम्मीद तो दिखी। एक और सेटबैक देता हूँ, ये पिच भरी ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तैयार की हो, कांग्रेस वहां पे अच्छा परफॉर्म कर गई हो, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हारने की कगार पे, अगर कांग्रेस को लेकर खुशी होती या कांग्रेस को लेकर उम्मीद होती तो फिर ये अधीर रंजन चौधरी की हार को क्या देखते हैं? नहीं, आप ये देखिए ना कि नेशनल पार्टी तो इसमें कांग्रेस ही है और इस इंडिया अलायंस को लीड भी कांग्रेस ने किया और राहुल गांधी ने इस इलेक्शन में काफी ज्यादा मेहनत करी है, ये तो देखो हम सबको मानना ही होगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने नरेटिव सेट किए, वो मेरे ख्याल से एक उत्साह लेकर आया कांग्रेस वर्कर्स के बीच में, जो लगता था कि राहुल गांधी सारे इलेक्शन हारते हैं और या जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। मेरे को ध्यान है पहले कई इलेक्शन थे, चाहे भले वो विधानसभा के इलेक्शन हो, तो उस समय राहुल गांधी की डिमांड ऐसा सच होती नहीं थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने वहाँ जितने भी ग्राउंड था वो तैयार किया, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि राहुल गांधी ने वहाँ काफ़ी मेहनत करी। अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ गए और राहुल गांधी ने जो नरेटिव वहाँ तैयार किया, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे और हम गरीबों को पैसा देंगे, वो सारा नरेटिव वहाँ बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी ने उन्हें वहाँ तैयार किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वहाँ मिलकर बड़े एक अच्छे तरीके से काम किया। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैदराबाद से राजकिरण भी हमारे साथ हैं और बीजेपी कार्यालय से विकास चंद्र भी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका रुख कर लेती हूँ, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने की तैयारियां हैं और तब तक रिजल्ट्स भी सामने होंगे। हालांकि सरकार और एक बार फिर से मोदी सरकार का वो जो मोटो दिया जा रहा था वो तो अब सामने है। जी, पहले सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनकी आवाज पर राजनाथ सिंह, अमित शाह यानी जो गृह मंत्री मौजूदा हैं और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इन लोगों की अहम बैठक चल रही है और उसमें आगे की रणनीति पर विचार हो रहा है। और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि रुझान सामने हैं और जो बीजेपी सोच कर चल रही थी वो नहीं है और उसको लेकर के बैठक चल रही है कि आगे की रणनीति क्या हो, यानी सरकार गठन में अड़चन ना आए, उसको लेकर के अभी से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अगर जहां तक रहा सवाल बीजेपी में तैयारियों का, तो अभी जो जानकारी आई है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को 5 बजे
बीजेपी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा है, सबको संदेश भिजवाए गए हैं। और अब जो जानकारी है कि पहले थी कि 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेंगे, जो बीजेपी में एक परिपाटी है कि चुनाव परिणाम के दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, तो उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। विस्तार कार्यालय में पूरी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, सुरक्षा कर्मी वहां पर लगाए जा चुके हैं। और सिर्फ अब यह है कि पार्टी कार्यालय में जो एक जमघट सा रहता था, देखा था हम लोगों ने 2019 में कार्यकर्ताओं का, वो जमघट नहीं। सुबह से आपसे जब जब बात कर रहा हूँ या फिर हम स्टूडियो में भी बैठ के वही देख रहे थे, इस बार पटाखे नहीं जले, इस बार लड्डू खिलाती हुई तस्वीरें नहीं आई, इस बार इस गर्मी में भी गुलाल लगाते हुए एक दूसरे को वो तस्वीरें नहीं आई, हालांकि वो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर पे भी मिसिंग है। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा नतीजा रहा। बहरहाल एक बार मैं हैदराबाद का रुख करूंगा, राज किरण जुड़े हुए हैं। राज, अब हैदराबाद की पॉलिटिक्स में क्या समझे, माधवी लता का आना और उसके बाद ऐसे हार के चले जाना, क्या मतलब इसको क्या समझ में आता है? असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ था, एक बार फिर से प्रूव कर दिया। हाँ जी, यहाँ पर हैदराबाद पार्लियामेंट में देखा गया तो स्टार्टिंग से जो माधवी लता जिस तरह की माहौल यहाँ पर बना के रखे थे, वो बोल रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मुझे वोट करने वाले हैं, अब के बाद किसी भी हालत में असदुद्दीन ओवैसी को हराने वाली है। मगर हकीकत में जब आंकड़े आगे आते हैं तो देखा गया तो अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को 6,50,000 वोट यहाँ पर उनको अब तक हासिल किए हैं और माधवी लता सिर्फ 3,20,000, मतलब आधे वोट भी अभी तक माधवी लता जी को अभी इसमें नहीं आया है। 3,30,000 वोटों से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी एक ही दम खामोशी से जिस तरह का माहौल को उनके तरफ बदल दिया गया है, जहाँ पर हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पर AIMIM को वोट करते हुए दिखे हैं, मलकपेट जैसे इलाकों में जहाँ पर हिंदू डोमिनेंस एरिया है वहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट गिरते हुए दिखे हैं। लेकिन पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि ग्राउंड को आप देख रहे हैं तब से समझ रहे हैं, और हैदराबाद की बात करें तो ये तमाम सीटों में से हॉट सीट तब बन जाती है जब बयानबाजी की बात आती है, जब आरोप प्रत्यारोप की बात आती है, जब वहां से वीडियोस की बात आती है। जी हाँ, खास तौर पर जो अभी मैं दो कॉन्स्टेंसी बोला था, एक है मलकपेट और एक है याकूतपुरा, ये जो कॉन्स्टेंसी जो ओल्ड सिटीज है थोड़ा कॉर्नर एरिया पे रहते हैं, जहाँ पर हिंदू डोमिनेंस एरिया है, जहाँ पर MIM का MLA भी वहां से जीत चुके हैं, तो इस एरिया में असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर बहुत ही डेवलपमेंट वहां पर किया गया है और हमेशा 24/7 ये एरियाज में वहां के MLAs हमेशा अवेलेबल रहते हैं। शायद यही वजह हो सकता है जो हिंदू वोटर्स भी असदुद्दीन ओवैसी के तरफ आपके बार असदुद्दीन ओवैसी के तरफ टर्न आउट हुए हैं, जहाँ पर मंदिर के पास भी जाके असदुद्दीन ओवैसी पहली बार वोट मांगते हुए नजर आए, हिंदू एरियाज में भी जाके वोट मांगते हुए नजर आए। यही उस दिन लोकसभा जब चुनाव भी चल रहा था तो बुर्का हटा के चेहरे को दिखाने वाला मामला भी विवाद पकड़ा था, तूल पकड़ा था माधवी लता जब ये कर रही थी वोटिंग सेंटर पर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा ये खबर भी बता दे, जीतन राम मांझी से जुड़ी खबर है, जरा स्क्रीन पे खबर दीजिए। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी का एक बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं NDA और PM मोदी के साथ हूं, तो हम पार्टी NDA के साथ है। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी का ये बयान आप सुनिए। देखिए, लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से हमारी विजय नहीं है, हमारी जीत नहीं है, गया के आम जनता की जीत है। और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद की जीत है। हम बिहार की जनता और खास रूप से गया के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और दोनों नेताओं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये जीत उनकी है। और जिस प्रकार हम लोग सोचे थे, अभी वो वांछित रिजल्ट नहीं आया है, बहुत तरह की बातें हो रही है, इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम NDA के साथ हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं, हर हालत में हम नरेंद्र भाई मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, क्योंकि गया के आवाम लोगों की भी यही इच्छा है। अभी हम विष्णुपद से भी आ रहे हैं, वहाँ भी लोगों से बात हमारी हुई है, सबकी इच्छाओं के अनुरूप ही
हम नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार भारत में बनेगी और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए पुनः पुनः गया की जनता को, बिहार की जनता